सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जबरदस्त बिहारी गोश्त बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना आपने नहीं भूलना। चलिए मैं बताती हूँ कि आज की बिहारी गोश्त बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स दरकार होंगे। उसके लिए मैंने 1 किलो जो है वो बकरे का गोश्त लिया है, आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं। 1 किलो मटन बकरे का गोश्त लिया है, इसके साथ 1 पाव जो है वो मैंने दही का इस्तेमाल करना है। 3 दरमियानी साइज की प्याज है जो मैंने इसको चॉप कर लिया है। 4 से 5 जो है वो मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसको हम जब नियर टू कुक होगा तब हम कट करके डालेंगे। इसके साथ जो है वो हमने थोड़ा हरा धनिया जो मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे हमने ली हुई है साबुत सुर्ख मिर्चें, गोल वाली भी ले सकते हैं और दूसरे वाली भी। ये हमने लेनी है 4 से 5 साबुत सुर्ख मिर्चें। इसके साथ ये कड़ी पत्ते हमने 3 से 4 ले लिए हैं। नमक हसबे जायका मैंने आधा चम्मच लिया है। इसके साथ सुर्ख मिर्च पाउडर है जो मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। हल्दी 1/4 जो टेबलस्पून है वो मैंने लिया है, और जो साबुत सूखा धनिया ये हमने 1 चम्मच लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच है, और इसके साथ जो है ये काली मिर्चें, लौंग और जो जीरा है इसको मैंने भूनकर फिर मैंने इस तरह पाउडर फॉर्म में पहले से ही तैयार किया हुआ है। मैंने जो है वो घर के मसाले लिए हैं और फिर बिहारी गोश्त बना रही हूँ। आप बाजार से भी मसाले लेकर किसी भी अच्छी कंपनी का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ये थे हमारे आज के इंग्रेडिएंट जो हमें बिहारी गोश्त के लिए दरकार थे। और साथ में हम क्या करेंगे, अपनी प्याज को जो है वो फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन, और फिर इसको भी ग्राइंडर में पेस्ट बना लेंगे। ये देखें जी, मैंने एक पैन ले लिया, बिल्कुल खुश्क ये हमारा पैन है। उसके अंदर ये सूखा धनिया जो है साबुत ये जाएगा, इसके साथ ये सारे 3 से 4 जो हमारे कड़ी पत्ते हैं वो हम ऐड करेंगे, और ये जो हैं हम 5 जो हैं वो हमने सुर्ख मिर्च जो है वो ले लिए। अब हमने इनको क्या करना है, हम इनको भूनेंगे चूल्हे पर। अब जो है मैंने चूल्हे पर इसको रख दिया, हमने इसको थोड़ा सा जो है वो फ्राई ये रोस्ट करेंगे, भूनेंगे। 1 से 2 मिनट हमने भूनना है। अब ये हमारा जो है वो भुन चुका है, अब मैं इसको पाउडर फॉर्म में करती हूँ। ये देखें जी, अब मैंने एक कुकर में ऑलमोस्ट 1/2 कप के करीब जो है वो मैंने ऑयल ले लिया है। अब इस ऑयल के अंदर ये चॉप की हुई जो प्याज है वो हम शामिल करेंगे, और इसको जो है वो हम लाइट ब्राउन होने तक जो है पकाएंगे। ये देखें, अब हम इसको जो है रोस्ट कर लिया मसाले को, अब मैं इसको पीसने लगी। अब जो है हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने एक बड़ा खुला बर्तन लिया था पहले से ही, अब मैं इसके अंदर ये 1 पाव के करीब जो है वो सारी दही शामिल कर दूंगी। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। इसके बाद ये हमारा जो काली मिर्च, जीरा और लौंग पाउडर है रोस्ट करने के बाद जो मैंने पाउडर फॉर्म किया था, ये सुर्ख मिर्च, नमक, हल्दी और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हमने क्या करना है, ये जो अभी हमने पाउडर फॉर्म बनाई थी मसाले की, ये वो मैंने सारी इसके अंदर जो है शामिल कर दी है। अब हम इसको अच्छे से जो है वो मैरिनेट करेंगे। ये देखें, हमने इसको मैरिनेट कर लिया। मैरिनेट करने के बाद मैं इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी।
ये देखें जी, ये लाइट ब्राउन हो गए। अब मैं इसको भी जो है ग्राइंड करूंगी पेस्ट बनाने के लिए। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये अच्छे से जो है वो पेस्ट बन जाए इसे। ये अब प्याज की जो पेस्ट है वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये प्याज भी मैंने डाल ली है, अब हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले इसमें डाल चुके हैं, यहाँ तक के प्याज भी। अब हमने सिर्फ क्या करना है, 2 घंटे बाद इसको कुकर में डालेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब 2 घंटे जो हैं वो हो चुके हैं। अब मैं इसको कुकर में डालकर पकाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने वही पतीली दोबारा इस्तेमाल किया कुकर जिसमें हमने प्याज ब्राउन किए थे। अब इसी घी में बचे हुए में मैं ये सारा मसाला लगा हुआ गोश्त जो है वो ऐड कर दूंगी। अब इसी बचे हुए जो इसके अंदर लगा हुआ था पतीली के अंदर पानी मसाला था, इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी डालकर इसको अच्छे से इसके अंदर शामिल कर दिया। मैं वेट लगाऊंगी। चलिए अब हम वेट खोलकर देखते हैं। ये देखिए गल चुका है और इसने घी भी छोड़ा हुआ है। अब हमने इसको थोड़ा सा जो है वो भूनना है 5 से 7 मिनट के लिए। जब तक ये गोश्त भून रहा है मैंने ये देखे जी हरी मिर्चें जो हैं और धनिया जो वो चॉप कर लिया है। अब कुछ हरी मिर्चें मैं सालन में शामिल करूंगी और कुछ जो है वो मैं गार्निश के वक्त ऐड करूंगी। चलिए अब हरी मिर्चें ऐड करते हैं। इसको हमने भूनना है बस, क्योंकि इसने ऑलरेडी जो है वो घी छोड़ा हुआ है। ये देखें जी, अब जो हमारा सालन है वो पककर तैयार हो चुका है। मैंने इसको 10 मिनट जो था वो भून लिया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसके साथ ही अब मैं जो है वो थोड़ी सी जो है हरी मिर्च इस पे ऐड करूंगी। आप चाहें तो लंबा लंबा अदरक भी कट कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने हरी मिर्च और हरे धनिया के साथ आज की डिश को गार्निश कर लिया है और हमारा जो बिहारी गोश्त है वो पककर तैयार हो चुका है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये डिश कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।